ये किसान भाई है, इनके साथ मिल के आता हूँ। ये ऑल फैमिली? यस। हाउ मेनी किड्स यू हैव? दिस इज कारियाबाग। ओके। तो भाई आज हवा नहीं चल रही है इतनी, और यहाँ पे आपका सर लग सकता है, तो थोड़ा बचा के। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है भाई लोगों? मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री अभी आ गया हूँ जाम्बिया से। जाम्बिया में पिटोके सिटी है एक छोटी सी, वहाँ पे मैं रात को रुका हुआ था। ये पीछे वाली झोपड़ी जो दिख रही है, ये मेरी थी रात का रेजिडेंस, और मच्छर थे और पूरी रात बारिश होती रही। और देखिएगा पानी, अभी कोई कहीं भी पानी नहीं दिख रहा, बारिश रात को हुई है फिर भी बारिश का पानी कहीं नहीं, और इतनी तेज़ धूप निकली, और टाइम अभी 6:30 हुआ है सुबह का, और कौवा बोल रहा है ऊपर। क्या हो गया भाई? तो पेड़ बड़े हैं और हरियाली बहुत है। आज जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री के आसपास जाने वाला है। 35 डिग्री का मीनिंग ये हो गया कि आप 40 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि फील लाइक जो है वो 40 के आसपास होगा, और बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। ह्यूमिडिटी जो है 78% दिखा रहा है। आज की राइड भी कम ही है, 70 किलोमीटर की राइड है यहाँ से। तो चलते हैं भाई, और इसको बोलते हैं बाय बाय। तो भाई आज हवा नहीं चल रही है इतनी, हवा चलती तो थोड़ा मज़ा आता। और लुसाका 400 किलोमीटर रह गया, ये लुआंगवा ब्रिज 166, और निम्बा जो है वो 63 किलोमीटर रह गया। हमारा जो कल का टारगेट जो है वो लुआंगवा ब्रिज है, और आज निम्बा। और भाई देखना कितना माल लोड करके जा रहा है, 20 20 20 60 60 लीटर डीजल। व्यू है यार देखिए, और ये हमारी छाया जा रही है हमारे साथ साथ, और ये देखिए सामने रोड, थोड़ा सा नीचा है, उसके बाद में सामने वाले पहाड़ पे चढ़ना है मस्ती से। और ये देखिए पत्थर धरती में से निकल रहे हैं। और 7:30 बजे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना कि पसीने आ रहे हैं, टोपी भी गिल्ली हो गई अभी से ही। तो देखते हैं यार 11-12 बजे तक पहुंचा जाए तो, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और ह्यूमिडिटी जो है 78% दिखा रहा है, तो मुझे तो उससे भी ज़्यादा लग रही है। और अगर कल भी ऐसी गर्मी रही तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि कल पूरा का पूरा चढ़ाई वाला एरिया है भाई। खैर चलना ही अपना काम है। कल देख रहे थे बादल थे पूरे, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे थे, आज आपको कहीं पर भी बादल नहीं दिखाई दिएगा। मेरे गंजेपन को मत देखो, चारों तरफ किसान जो है के हल जोत रहे हैं बैलों से, बैल से ही खेती होती है। आदमी जो है वो हल जोत रहा है, पीछे एक लेडीज लेके बीज, और वो बीज चुभ रही है। मक्के की बिजाई हो रही है अभी यहाँ पे, इस बार बारिश नहीं आई तो बिजाई लेट है। क्या बात है, छोटा सा गांव आया कोई, और रोड के ऊपर सोलर लाइट लगाई हुई है यार एज ए स्ट्रीट लाइट, अच्छा लगा देख के। गाँव बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ पता क्या है, तंजानिया किनिया की तरह रोड पे ही घर नहीं है, पीछे भी घर हैं, लोग खेती ज्यादा करते हैं ना इसलिए। अभी 8 बजे हैं, और 8 बजे इतनी गर्मी हो गई है पूछो मत, और पसीना ही पसीना आ रहा है, सब गिल्ला हो गया, और पानी भरा है भाई से। या मिल्क शेक बिग वन यू हैव बिग वन फिनिश्ड। ये छोटी सी दुकान है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विलेज? इट्स मिंगा स्टॉप। मिंगा? मिंगा स्टॉप। मिंगा स्टॉप, यस, देयर इज अ मिंगा मिशन दैट साइड। ओके, या अपन ये मिल्क शेक पीते हैं थोड़ा सा, तब तक यहाँ पे 9 बजे के करीब हवा चलने लग जाती है, तो वेट करते हैं हवा का, हवा चलने लग जाए थोड़ी सी तो फिर निकलेंगे यार। और पानी हो गया है, और वैसे तो 50 किलोमीटर है तो ज़्यादा नहीं चलना, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, पर मस्ती से करते हुए निकलेंगे। जन्नो को वहाँ पे लगा दिया, बेचारी खड़ी है चुपचाप, ये हाईवे के ऊपर ही हूँ। अच्छा एक और प्रॉब्लम है यार, अफ्रीका में आपको ना पानी भरने को बहुत कम मिलेगा, तो बहुत बार परचेज़ भी करना पड़ रहा है अभी मुझे, बीच बीच में कभी कभी परचेज़ करना पड़ रहा है। हालांकि मैं होटल में जब निकलता हूँ तो भर के निकलता हूँ, पर आज क्या हुआ कि सुबह जब निकला तो होटल वाले सब सोए हुए थे, तो मैं पानी नहीं भर पाया, तो आज मेरे को यहाँ पे लिया मैंने। पर मैं परचेज़ करने के टाइम में मैं क्या करता हूँ कि 5 लीटर वाली पानी की बोतल ले लेता हूँ, अपनी बोतलें भर लेता हूँ, 3 बोतल हो जाती हैं भर के, डेढ़ डेढ़, यहाँ पे 2 लीटर वाली बोतल नहीं चलती, 1.5 लीटर की बोतल चलती है, जैसे ये मैंने भर लिया, तो ऐसे काम चला लेता हूँ भाई कभी कभी। तो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच अगेन।
लो जी चलते हैं यहाँ से। भाई मैंने दन्नो को इधर खड़ा कर दिया और थोड़ी सी देर भाई ये किसान भाई है इनके साथ मिल के आता हूँ। सो मेज, यस दिस इज मेज, ओके दिस इज सोयाबीन, दिस इज सोयाबीन, यस ओके। ये मक्की बीज रहे हैं भाई, उधर सोयाबीन बीज रहे हैं भाई। जन जी मेरे को आप पटको पे को। हां हाउ आर यू? फाइन, से द फाइन एंड हाउ आर यू? जाएगा कहाँ ये, यहाँ पे लोहे वाला हल यूज करते हैं ये, इसको सेफ्टी के लिए साथ में ये रखते हैं ताकि ये सरकटे से जो होते हैं ना ये खत्म हो जाए। ओ चौसे को टायर है? व्हाई आर यूज दिस टायर? दिस इज अ कारिया बैग। ओके कारिया बैग, ओके यस यस। सो वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू डू दिस, जस्ट ओनली फॉर दैट कैरिंग। ओके रिपीट इट अगेन। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। हां ओके नो भाई, हमारे यहां तो हल जो होता है ना इन इंडिया, वी यूज दैट, दिस वन इज टिल देयर। ओह या द सेम थिंग इज, द सेम थिंग, सेम थिंग। ओह बट द इंडियन सोइल इज लिटिल डिफरेंट। हाउ? व्हाट? सो दैट इज नॉट, आई शो यू, यू शो मी। या वी यूज लाइक दिस। ओह वन एनिमल? नो टू एनिमल, दिस नो चेन, नो चेन। इन सम टाइम वी यूज दैट टू कैरी द थिंग्स लाइक दिस। हा या so in ngolo kuri ko one out, yes like this mayo one ngolo banyamura, sometime one sometime two, two yeah like this, two like this। main inko bata raha hu ki hum hal jo use karte hain usme pura lakdi use karte hain, lohe wali chain use nahi karte, to bhai surprise ho gaya। thank you so much baba। okay cheers, so have a good journey। thank you so much, yes yes yes, okay this yes. so use the pesticide, ye beez hai yaar, makki ka beez hai, and where is soybean? Soybeans we are already planted. Already planted. Yes. Okay, 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 yeah. okay. All is your family? Yes, my family, yes. Yeah, all family. Yes, so yes, how yes. many kids you have? I've got seven. Seven kids? Yes. Oh, wow. Yeah, yeah, yeah. So, one, two, three, four, five, six, seven. Yes. okay, thank okay, you, thank cheers. You so much, have brother. A good job. Thank you, brother. Thank you. Thank you, mama. Thank you. Ooh. No, it's okay. So, bye. मैंने, मेरे पास थोड़े से बिस्किट पड़े थे तो मैं यार दे दूँ, एक सात बच्चे हैं भाई के और अच्छा किसान है यार। देखिए एक दो तीन चार, चार बच्चों को जो है बैल के साथ में जोतना सिखा रहा है, तो अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। आगे से मैं ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश ज़्यादा करा करूँगा, पहले मेरे साथ समस्या कहती मैं थोड़ा थोड़ा शर्मा जाता था। डन, काम पूरा हो गया भाइयों का, अब जा रहे हैं। रोक दे मित्र, ऐसा एक डायलॉग फेमस हो रहा था यार अभी पीछे से। खैर हम आज के टारगेट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रहे हैं और गाड़ी नॉन स्टॉप चली आज 60 किलोमीटर, अभी 10 किलोमीटर और निकाल के और टारगेट पे पहुंच के ही रुकेंगे आज। यार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बीच में बस वो पानी लिया था और मिल्क शेक का, बच्चों वाला मिल्क शेक काम कर गया और यहाँ तक पहुँच गए। डारी डारी करके कोई गेस्ट हाउस है, उसमें जाऊंगा अभी। आज तक तो राइड जो थी वो आसान थी, पिछले तीन चार दिन से इजी राइड चल रही थी बिल्कुल ही। अब जो आगे की राइड है वो थोड़ी सी टफ आ जाएगी। अगली तीन दिन की जो राइड रहेगी, अभी 350 किलोमीटर के करीब रह गया है हमारा टारगेट जो है लुसाका, द कैपिटल सिटी ऑफ जाम्बिया। चपक दे फटे लप दे किली। सो गाइस आज का टारगेट आ गया हमारा और अभी हम एक किलोमीटर हैं, स्ट्रीट लाइट स्टार्ट हो गई है सिटी की, तो सिटी के आसपास ही है। डेरी डेरी लॉन्च, डेरी डेरी लॉन्च, दिस वे, दिस वे, यस। हाउ फार?
No, it's less than a kilometer. Oh, okay, 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 okay. There's a kaposte there. Okay, thank you, Sana. लो भाई, ये ऐसा सा रूम है। ये देखिए, ये दोनों को खड़ा कर दिया। ये रूम है, चाय रखी हुई है इन्होंने, एसी लगा हुआ, सबसे बड़ी चीज़ ही है। और ये टॉयलेट है, टॉयलेट के नाम भी ये है, पानी टपक रहा है। और ये पता नहीं क्या है, ये रखा हुआ गेट के नाम पे। ये दरवाज़ा है, शीशा रखा हुआ है। और यहाँ पे आपका सर लग सकता है, तो थोड़ा बचा के, यहाँ तो बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। तो ये एक्चुअली वी शेप जो हमारे शिमला में होते हैं वैसे हैं। और अभी टेम्परेचर जो है बाहर का 35 डिग्री हो चुका है, और फील लाइक जो है वो 40 के आसपास है। तो मेरी हालत बिल्कुल पतली हो चुकी थी, ये तो मैं पहुँच गया। अब मुझे सता रहा है कि कल का जो 110 किलोमीटर की राइड होगी वो कैसे करूँगा, क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर रहा तो राइड करना बहुत मुश्किल। क्या टेम्परेचर से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती यार, प्रॉब्लम होती है ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी बहुत है, 78% ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, तो टॉलरेबल नहीं रहती यार। पसीना स्वेटिंग इतनी होती है ना, और एग्जॉशन हो जाती है फिर। चलो कोई नहीं, ये जो सब अरेंजमेंट हो रहा है समीर सर की हेल्प से और अपने सोए भाई करवा रहे हैं, उनका एरिया पड़ता है ये। तो थैंक यू समीर सर एंड थैंक यू सोए भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदरवाइज इस एरिया में थोड़ा सा मुझे गेस्ट हाउस वगैरह ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत रहती। यहाँ से अब 3 दिन का सफ़र हमारा रह गया, 105, 120, 105 ऐसे, तो इतना रह गया हमारा 3 दिन का सफ़र। पर तीनों दिन चढ़ाई है तो हो जाएगा, पर देखते हैं कैसे होगा क्या होगा। मिलते हैं भाई।